आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम फिर जुड़े हैं बीपी गोयल जी के साथ। सर प्रणाम। नमस्कार सर, आज आप हमें क्या सिखाएंगे? सर भैया, मैं क्या सिखाता हूं, आप खींच लेती हो सर कुछ ना कुछ। अनुराधा जी, इस तरह से बात करके कोई नया बिंदु, कोई जो बीज कीड़े पड़े हुए होते हैं मेरे दिमाग में, उसको पानी दे देते हैं तो वो पौधा बन जाता है। सर, और आप इतना सुंदर सिखाते हैं। वो इन वीडियो के जरिए मैं भी बाद में देखता हूँ, तब सोचता हूँ कि यार ये किताब में भी नहीं लिखा मैंने, ठीक है, पर ये थोड़ी के बीज तो पड़ा हुआ होता है कहीं। तो आज एक इसी तरह का नुक्ता मेरे को अनुराधा जी ने कहा कि भाई मैचिंग के लिए कुछ पॉइंट बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, नया ही पॉइंट पे बताएंगे जो किताब में भी नहीं है। जी सर, थैंक यू। ये एक्चुअली मैचिंग का इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है कि क्या ये कुंडली वाला आदमी व्यक्ति अपनी मैरिज को निभाएगा या नहीं। आज के दिन में सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। निभाएगा या नहीं, जी लोग बात मैचिंग में कर देते हैं, बोलते हैं, परंतु बहुत से केस आपने देखे होंगे बनती नहीं है, बिल्कुल, फिर भी निभा रहे हैं। हाँ जी, और उसी को भी बहुत बड़ा माना जाता है आजकल कि भैया विवाह के 40 साल हो गए निभा रहे हैं, चल रहे हैं साथ में। तो ये अब इस निभाग के कारण एक इसको देख करके हम मैच भी कर सकते हैं कि भाई निभाएगा या नहीं निभाएगा। जी, अगर दोनों निभा रहे हो तो अति सुंदर, जी एक भी अच्छे से निभा रहा हो तो मीडियम, और अगर दोनों ही ना निभाने वाले हो तब हमारी परेशानियां ज्यादा आती है। हाँ, तो अब तक बहुत सारे पॉइंट है किताब में, जैसे दशा है, जन्म दशा है, सप्तमेश है नवांश का, लग्नेश है नवांश का, चतुर्थ भाव है, द्वितीय भाव है, ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर एक करें और बाकी तो हम अपने जो आने वाले वेबिनार है, हाँ, उसमें पूरा कराएंगे जी। आज एक छोटा सा नुक्ता बता रहा हूं जी सर, वो हम देखते हैं बृहस्पति से। जी सर, नवांश में हम ये देखते हैं कि बृहस्पति किस ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, मतलब डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर। अब यहां हम दो रूल और देखते हैं इसके बाद। पहला तो वो कि वो जो डिस्पोजिटर है क्या वो नवांश की लगन का मित्र है या शत्रु है। जुपिटर धर्म है जी, अगर वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से त्रस्त है, तो बंटा ढार हो जाएगा। दूसरा चेक हम करते हैं कि बृहस्पति से वो डिस्पोजिटर किस स्थिति में है। अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, 6, 8, 12 में है, उसके बाद थोड़ा हल्का होता है कि पाप ग्रहों के साथ है या दृष्ट है, तो वो बेकार हो जाता है जी।
तो वो बृहस्पति अपना फल नहीं दे पाना, क्योंकि उस बृहस्पति का मकान मालिक ही बेकार हो गया, उससे एडवर्स बैठा हुआ है, विपरीत बैठा हुआ है और शत्रुओं के साथ है, तो वो रोज उसको डंडे मारता रहेगा क्योंकि उसके घर में बृहस्पति रह रहा है। जी, ये छोटा सा प्रिंसिपल है सर। और बहुत सरल है जी। सिर्फ बृहस्पति को देख लो, नमाज बृहस्पति के और भी उपयोग है मेरे पास वो भी जब हम पूरा वेबिनार करेंगे जी सर। तो ये बृहस्पति ही आपको रूप देता है कि आपके कितने विवाह होंगे। बहुत सुंदर सर, वो उसमें बात करेंगे, यहाँ नहीं करूंगा जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था, यदि ये बृहस्पति मित्र की राशि में बैठा है और या शत्रु की राशि में भी बैठा है लेकिन शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा बृहस्पति पे तो दृष्टि की बात ही नहीं करी मैंने। जी, मैंने तो बृहस्पति का डिस्पोजिटर लिया। ठीक है सर। उसका मकान मालिक कौन है? ठीक है सर। वो किस हालत में है? जी सर, वो देखेंगे। ठीक है जी सर। जरा सा रूल है क्योंकि ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ मैं, जी सर, है ना? तो देख लो, एग्जाम्पल लेने से पहले आप लोगों को ये बता दें कि हमारा D9 पर सर के साथ वेबिनार आने वाला है, 2 दिन का वेबिनार होगा और उसमें हम काफी कुछ कवर करेंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। सर तो इस केस में यहाँ ये जो एग्जांपल है हस्बैंड का ये चार्ट है, ठीक है जी सर। बस सीधा सीधा क्या करना है यार, बृहस्पति को देखना। जी, बृहस्पति सूर्य की राशि में बैठा, मित्र राशि में बैठा, जो लग्नेश है लग्न में ही बैठे हुए हैं जी, और उसकी मित्र की राशि में है जी। अब हम उसके डिस्पोजिटर की पोजीशन देख लेते हैं सूर्य की। सूर्य महाराज फिर चंद्रमा के साथ है, परंतु सूर्य महाराज शनि की राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बुध भी है और चंद्रमा है। सूर्य से छठे और आठवें भाव में दो दो ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य को भी कर्तरी दे रहे हैं। सूर्य के दूसरे और बारहवें में उनकी दृष्टि आ गई ना। हाँ, तो ये सूर्य बृहस्पति से तो शुभ है, ठीक ठाक बैठा हुआ है, परंतु कर्तरी भी है। अब ये जो कर्तरी है, आप देखोगे शनि और शुक्र की कर्तरी सूर्य की तरफ जा रही है। हाँ। अब मैं यहां पर मरकरी और चंद्रमा की डिग्री नहीं ले रहा हूं नवांश में, क्योंकि सूक्ष्म एनालिसिस के लिए अगर ये दोनों बीच में आ जाते हैं तो कर्तरी नहीं होगा सूर्य पे। जी। दूसरी तरफ जो राहु और केतु हैं, ये भी सूर्य की तरफ जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तो बुध और ये आएंगे कहीं बीच में। तो एक ये अबव एवरेज सिचुएशन कही जा सकती है कि विवाह में सुख रहेगा, अच्छा रहेगा, मित्र है, विवाह लंबा चलेगा। ठीक है, अब वो अगली कोर्स में बात करूंगा कि विवाह की लंबाई कितनी होगी जी, वो वहां बात करेंगे जी सर। मांगल्य की हाँ ठीक है, मांगल्य की बात में बात कर लेंगे। अभी तो हम सिर्फ मैचिंग देख रहे हैं कि भैया इसके साथ आप कुंडली मैच कर सकते हो, ये निभाएगा। तो यदि जब हमको मैचिंग करनी होती है तो हमें लड़के की या लड़की की जो सामने वाले हैं उनकी हमें देखना चाहिए कि आप निभा पाएंगे या नहीं। बेसिक
अब दोनों का मैच होता है या नहीं होता है, इन दोनों में विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो हम पूरे कोर्स में लेंगे। बहुत सी दफे शुरू में हो जाता है, भैया मैचिंग तो बहुत बढ़िया हो रही है, पर मैं बोल देता हूँ कईयों को इन दोनों की शादी होगी नहीं, मैच तो हो रहा है पर शादी नहीं होगी। ओके, वो आगे आएगा। वो अनुराधा जी भी बहुत बढ़िया करती है। अच्छा, अब यहां देखिए वाइफ का, इसका डिस्पोजिटर है शुक्र जी, और शुक्र बारह साथ में ही बैठे हुए हैं जी, बृहस्पति के, तो मकान मालिक भी वहीं रह रहा है जो जुपिटर को निर्वाह करने को बोलेगा जी सर। हाँ, पर यहां जो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो शनि की दृष्टि है शुक्र के ऊपर। यहां दोनों पर है पर मैं यूज कर रहा हूं शुक्र के डिस्पोजिटर के ऊपर। हाँ, तो थोड़ा सा फ्लॉ यहां भी आ गया है जैसा कि वहां भी फ्लॉ था, है नहीं? हाँ, सामने बैठे हैं, कर्तरी में बैठे हैं, तो हल्का सा फ्लॉ यहां भी है, परंतु यहां निर्वाह अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो साथ साथ बैठे हुए हैं। हाँ, माइनस पॉइंट सिर्फ शनि का है, ठीक है? हाँ सर, इस शुक्र के ऊपर कोई और दृष्टि नहीं है, अगर यहां पर और कोई शुभ दृष्टि आ जाती तो वो और अच्छा हो जाता। चलिए और देखना है। हाँ, तो एक चार्ट और देख लेते हैं। तो वैसे सबके लिए बता दें कि ये जो कपल है इनकी जो मैरिड लाइफ है वो 30 साल से हंसते खेलते अच्छी गुजर रही है। सर, तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी और कमला नेहरू जी का चार्ट लेंगे। ले लो, कमला जी तो बहुत बेचारी बीमार हो गई, परंतु हाँ भाई नवांश। हाँ सर, कमला नेहरू जी का पहले, ठीक है? अब यहाँ बृहस्पति देख लो भाई, अपने ही भाव में लेकिन सिस्टम में। बृहस्पति के डिस्पोजिटर खुद ही बृहस्पति है और लग्नेश से, लग्नेश मित्र है। हाँ, परंतु लग्नेश से 6-8 में बैठे हुए हैं। हाँ, बीमारी, ठीक है? हाँ, इनके ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं है चंद्र बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति खुद ही डिस्पोजिटर है, मकान मालिक है जी सर। तो ये विवाह में निर्वाह करेंगे जी। 6-8 का है रिलेशन, परंतु निर्वाह है क्योंकि चंद्रमा पर कोई पाप दृष्टि सिवाय मंगल के नहीं है और सूर्य तो राहु भी तो और राहु केतु एक्सिस। हाँ, ठीक है। इसने मारा कि हाँ भाई निर्वाह पूरी तरह नहीं होगा। प्लस पॉइंट क्या था कि बृहस्पति बृहस्पति ही उसका डिस्पोजिटर है जी, पर लग्नेश पीड़ित है तो निर्वाहन में कठिनाई है जी। जी सर, ठीक है। अब नेहरू जी का देख ले, वो क्या करते थे? नेहरू जी का नवांश। अब यहां बृहस्पति को पकड़ो फिर से एकदम, बृहस्पति सूर्य के नवांश है, जुपिटर जो है वो सूर्य के साइन में बैठा हुआ है भाई जी। अब सूर्य से बृहस्पति का रिलेशन देख लो भाई, दोनों दो बार में बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है। और जो वो डिस्पोजिटर है वो लग्नेश का मित्र है क्या? लग्नेश का शत्रु है, लग्नेश के साथ बैठा है और राहु केतु एक्सिस, केतु एक्सिस में भी है और अपने से बारह बैठा हुआ है। हाँ, मैं निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। तो ये विवाह में निर्वाह
नहीं कर पाएंगे। आ गया भाई सीधा सीधा? जी सर। तो ये छोटा सा टिप है और बहुत शॉर्ट में आप तुरंत देख सकते हैं, तुरंत। सर तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि दोनों के थोड़े थोड़े फ्लॉस थे, लेकिन ये था कि ये निर्वाह आराम से कर लेंगे। हाँ, क्योंकि पीड़ा यहाँ पर इन नेहरू और कमला नेहरू के उसमें ज्यादा है पीड़ा। हाँ, वह पीड़ा कम है। शुक्र को जब शनि वाइफ के और उसको है, तो शुक्र का शनि मित्र भी है जी, वो इतनी पीड़ा नहीं देगा जी, ठीक है। और राहु केतु सूर्य के परम शत्रु हैं, और शनि और तो नेहरू जी की कुंडली में। हाँ। और शनि के साथ बैठे रहे, शनि लग्नेश भी है, वो भाई भी छठे में, खैर छठे में नहीं रहेगा तो ये, क्योंकि आपका जो नवांश है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये इस प्रोग्राम में ठीक नहीं आ रहा है नवांश, ठीक है सर। तो आपने जो फंडामेंटल्स बोले वो एक बार वापस हम दोहरा लेते हैं। आपने बोला कि जुपिटर की स्थिति देखनी है नवांश में, गुरु कहाँ बैठा है वो देखना है, उसका डिस्पोजिटर किस हाल में है, उससे 6, 8, 12 में तो नहीं है, और उस पर क्या दृष्टि आ रही है उस डिस्पोजिटर पर, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि गुरु कुछ उनको आगे लंबा जीवन देगा, विवाहित जीवन होगा या नहीं। जी सर। युति भी देखेंगे, जुपिटर से प्लेसमेंट देखेंगे, बृहस्पति के डिस्पोजिटर से की नवांश के लग्नेश से मित्रता या शत्रुता देखेंगे। ठीक है सर। भाई बृहस्पति जो लग्नेश है उसके शत्रु के घर में जाके बैठ गए, यही तो बात हुई ना। जी सर, बहुत सुंदर सर ने हमें बताया, क्योंकि जनरली हम लोग आजकल यही पूछते हैं कि निपट जाएगी ना शादी, इसी के लिए हमें एक बहुत सुंदर सूत्र मिला है, इसको अपने चार्ट्स पर अप्लाई करिए, और हमारे आने वाले वेबिनार D9 के वेबिनार पर यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर करें या हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ। एक फाइनल पॉइंट। जी सर। जिसकी कुंडली में निर्वाहन ना दिख रहा हो वो अपनी कुंडली बदल ले और निर्वाह कर ले। धन्यवाद। धन्यवाद।